हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी ने निकाला है। अभी आपको पता होगा, मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो पीपीटी हमारे पास वायरल हुई थी उसका पहला विज्ञापन आपका जारी कर दिया गया है। और ये भी आपका एक स्पेशल विज्ञापन है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 से आपका ये नवा विज्ञापन है। आज की इसकी तिथि प्रकाशन की है, 20 जून से आपके फॉर्म भरने शुरू किए जाएंगे, 19 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 26 जुलाई आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। पोस्ट आपकी है होम्योपैथिक भेषज। नीचे इसके बारे में देखते हैं, टोटल कितने पद आए हैं। तो होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक भेषज के 397 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आपके आमंत्रित किए गए हैं। पैट 2023 के नॉर्मलाइज स्कोर पर आपका चयन किया जाएगा। कुछ मेन मेन पॉइंट्स हम वो देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, तो सीधे हम वहीं पर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो सीटें आपकी आई हैं, 161 अनरिजर्व की सीटें हैं, एससी की 83 हैं, एसटी की 7 सीटें हैं, ओबीसी की 107 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 पद आरक्षित हैं, टोटल आपके 397। अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको महिलाओं की 79 पोस्ट हैं, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के 19 पद हैं, बाकी ये आपके पीएच कैटेगरी के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के इसमें 7 पद हैं और स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी के लिए भी इसमें 7 पद आरक्षित किए गए हैं। अब देखते हैं क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि स्पेशल भर्ती है तो वैसी ही तरीके की इसमें क्वालिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, अनिवार्य अर्हता जो मैंडेटरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान के साथ गणित या जीव विज्ञान समूह अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण, या 12th आपने किया हो मैथ्स के साथ और या फिर बायो ग्रुप के साथ, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण यानी आपने ट्रेनिंग इसमें करी हो। और इसके अलावा अंतिम जो क्वालिफिकेशन है, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में आपका रजिस्टर होना अनिवार्य है। तो ये 3 आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जो अधिमानी अहर्ताएं हैं, प्रादेशिक सेना वही टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की हो, एनसीजी का कोर भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, अगर ऐसा है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। वही 21 से 40 वर्ष माफ कीजिए, इसमें एज होगी आपकी। चयन का आधार आप अगर आप देखेंगे, प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या, ये पूरी डिटेल उन्होंने यहाँ पर दी है, जिसके अनुसार चयन का आधार आपका निम्नलिखित है, लिखित परीक्षा योजना और उसका पाठ्यक्रम। तो देखिए अभी इन्होंने यहाँ पर वही किया है, पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं किया, लिखित परीक्षा का जो स्कीम है यानी किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे वो ये बाद में जारी करें, ठीक है। और वही है जो आयोग हमेशा कहता है, पैट 2023 का जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है उसके 15 गुना अभ्यर्थी आयोग मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा, लेकिन कभी कभी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो लगभग 400 पोस्ट इसमें है, तो 15 × 60 लगभग 6000 के आसपास कैंडिडेट्स आप मान सकते हैं जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, लेकिन स्पेशल क्वालिफिकेशन है इसलिए कट ऑफ इसका बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही आपका एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स सारे जो होते हैं वो बता दिए हैं, तो आप में से जो इसमें एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरना आप जरूर सुनिश्चित कर लें। 20 तारीख से आपका ये फॉर्म खुलेगा और आपका ये मैं बता दूं 2800 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें 29,200 रुपए आपका बेसिक होता है, ठीक है। लगभग वही 42-43 के अराउंड इसमें आपकी सैलरी आराम से बन जाएगी, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए एक अच्छी अच्छी न्यूज़ है वैसे, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है। बाकी ज़्यादातर लोग सब लेखपाल का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी भर्ती अब पैट 2023 से लंबित है। देखते हैं कब तक उसका नोटिफिकेशन आता है, जब वो आएगा तो मुझे लगता है काफ़ी लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।